नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। दिल्ली में चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी हां, इसे हम पुलिस की प्रशासन की नाकामी कहें या कुछ और, ये तो पता नहीं। आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट जिसको देखकर आप ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता कितनी परेशान है। दरअसल पिछले 21 नवंबर को एक परिवार में चोरी हुई थी जिसकी वीडियोस आज हमारे समक्ष आई हैं। आपको बता दें कि जितना भी गहना था उस लड़की के पास सारा चोरी हो गया है। वो गहने उसे उसके माता पिता की पूंजी ही कह सकते हैं, जो उन्होंने उसको उसकी शादी के समय विदा करते हुए दी थी। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हाय, मैं ज्योति, मैं छतरपुर में रहती हूँ। मेरे यहाँ लास्ट ईयर 21 नवंबर को घर में चोरी हुई थी, जिसमें मेरे सारे शादी के ज्वेलरी थी, ज्वेलरी का एक बैग था, वो सब चोरी हो गया। और हमने उसके बाद हमने रिपोर्ट भी लिखवाई पुलिस थाने में, मैदानगढ़ी पुलिस थाना छतरपुर का लगता है, वहाँ पे हमने रिपोर्ट भी लिखवाई। तो जिस दिन हमने रिपोर्ट लिखाई थी उस दिन हमारे घर पर रात में सारी पुलिस आई, SHO आए, उन्होंने सारी छानबीन की, सब कुछ किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह सारी रिपोर्ट ली। उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर उसके बाद पुलिस चली गई। फिर अगले दिन फिर पुलिस आई, उन्होंने ऐसी नॉर्मल पूछताछ की, फिर वो चले गए। फिर हम उनको कॉल बैक करते रहे कि क्या हुआ, क्या स्टेटस है। उन्होंने हमें वो बोले कि हम आज करते हैं, कल करते हैं, ऐसे वो हमें ऐसे टालते रहते हैं। हम 3-4 दिन पर जब तक उनको कंटिन्यूस फॉलोअप करें, कॉल करें, तब जाके वो वापस आते हैं। जब तक हम अपने एंड से कॉल ना करें तब तक पुलिस वाले कोई भी कॉल बैक, अपने एंड से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते थे। हमने पुलिस वालों के काफ़ी चक्कर भी काटे हैं, कई बार थाने में भी गए हैं। पुलिस वाले हमें यही बोलते रहे कि हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। फिर हमने सारे CCTV कैमरे के फुटेज वगैरह निकाले और यहाँ पे पुलिस वालों को दिए, जो भी हमें सस्पेक्ट्स लगा वो सब हमने पुलिस वालों को बताया, सब कुछ उनकी हमारे एंड से जितना भी मदद हो सकता था हमने सारी मदद की पुलिस वालों की। पुलिस वालों से हमने काफ़ी सपोर्ट मांगी कि हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, कम से कम 10-15 लाख की चोरी हुई है, हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें। पुलिस वाले हमें यही बोलते रहे कि हम कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट मांगी कि हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, कम से कम 10-15 लाख की चोरी हुई है, हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें। पुलिस वाले हमें यही बोलते रहे कि हम कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और वहाँ पे जो SHO बैठते हैं कुमार कुंदन जी, उनसे भी हमारी काफ़ी बात हुई। उन्होंने भी बोला कि हमारी टीम लगी है काम करने के लिए, वो काम कर रही है, 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे देते रहिए। ऐसे करते करते महीना बीत गया। फिर हम जब भी हमको कॉल करें तो वो कभी बोलते कि हम 26 जनवरी में बिजी है, कभी बोलते हैं हम कि जामिया में लगे केस में बिजी है, कभी यहाँ बिजी है, ऐसे करते करते वो हमें टालते रहे। फिर जब उसके 1 महीने के बाद वहाँ के SHO का ट्रांसफ़र हो गया, वो उसका दूसरे SHO आए वहाँ पे, हमने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि अभी मैं नया आया हूँ, आपका केस मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको चेक करके मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने उसके बाद कोई कॉल बैक नहीं किया हमें, हम उनको फॉलोअप करते रहे, वो हमें यही बोलते रहे कि हम आज करेंगे कल करेंगे। इस तरीके से पुलिस वाले हमें टालते रहे, पुलिस वालों के एंड से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली, दिल्ली पुलिस वाले में हमने कोई भी उन्होंने हमारी मदद नहीं की। हमारा इतना नुकसान हो गया, इतनी चोरी हो गई है, और ऐसे में पुलिस वाले अगर हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के समय हमने एक बार भी कॉल नहीं किया, ये सोच के कि पूरा देश कोरोना की वजह से पीड़ित हो रहा है, तो हमने उसके बाद कॉल नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी हमने बीच में अभी कुछ टाइम पहले हमने कॉल बैक किया था, तो उन्होंने हमारा कॉल बैक किया था तो उन्होंने हमारा उन्होंने कोई जवाब नहीं देना फ़ोन उठाया। तो इससे ये मालूम चलता है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि पुलिस वाले हम आम जनता की कोई मदद नहीं करते हैं। अगर हम आम जनता ऐसी पुलिस वालों कोई मदद नहीं करेंगे तो फिर हम आम जनता कहाँ जाएंगे, किससे मदद लेंगे। जिसके घर में कोई बड़ा आदमी के घर में अगर 10 रुपये की भी चोरी होती तो उनका फटाफट चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हम जैसे लोगों के घर में चोरियाँ हैं और उसके वाले पुलिस हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि पुलिस वाले हमारी कोई मदद की है ना, उन्होंने कोई हमसे पूछा है ना, उन्होंने हमारी कंप्लेन को लॉक किया है अभी तक।